नवीन गल्ला मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा कि शासन के द्वारा मंडी शुल्क 1% कम कर देने से व्यापारियों और किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश की मंडियों में 2% मंडी शुल्क और 0.5% विकास शुल्क लगता था। अब शासन ने मंडी शुल्क को 2% से घटाकर 1% कर दिया है। इससे प्रदेश की सभी मंडियों में उत्पाद बढ़ेगा और आवक बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी लोग आकर्षित होते हैं। यहाँ पर किसान भी आते हैं और व्यापारी भी आते हैं। मंडी शुल्क कम होने से दूर दराज से ज़्यादा किसान और व्यापारी मंडी में आएंगे और अपने उत्पाद की बिक्री करेंगे, जिससे उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मंडी शुल्क कम हो जाने से सबसे ज़्यादा लाभ किसान को होगा, क्योंकि किसान हर जहां जाकर अपनी सब्जी नहीं बेच सकता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, प्रशासन ने मंडी शुल्क को 1% कर दिया, इससे मंडी पर कितना प्रभाव पड़ेगा व्यापार पे? इससे व्यापारियों को और उनके साथ साथ किसानों को, दोनों को काफ़ी फायदा होगा। पहले 2% मंडी शुल्क और 0.5% विकास फेस लगता था, और 2% को घटाकर सरकार ने 1% कर दिया है। इससे मंडी में आवक बढ़ेगी, किसान भी मंडी के प्रति उत्साहित होंगे और व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। इससे इस तरह से दोनों पक्षों को काफ़ी फायदा होगा। इससे सर कुछ लोग बाहर बिक्री करते थे, क्या लग रहा है कि मंडी में वो लोग आके सामान को बेचेंगे? निश्चित ही मंडी की तरफ लोग आकर्षित होंगे, व्यापारी भी हो किसान भी। किसानों को व्यापारियों से अच्छा दाम मिलेगा। अभी तक हमारे व्यापारी मंडी यार्ड के व्यापारी यहाँ पर मंडी शुल्क होने के कारण, बाहर मंडी शुल्क ना होने के कारण यहाँ 2.5% सब लगता था इनको। ये कंपटीशन में बाहर वालों से नहीं टिक पा रहे थे, तो इससे उनको काफ़ी लाभ हुआ। तो व्यापारी क्षेत्र में जो है व्यापारी में बिखरे हुए होते हैं, दूर दराज होते हैं, और किसान हर जगह जा कर के अपना माल नहीं दिखा सकता है, और यहाँ पर एक ही जगह पर ढेर सारे व्यापारी होते हैं और उनमें कंपटीशन रहता है, कंपटीटिव रेट मंडी में उसको मिलता है, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा।